चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए तो हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और ब्लड वेसल्स टॉपिक है हमारा। इसमें हम लोग देखते हैं, ऐसे तो ब्लड वेसल्स आपका चार टाइप का हो गया, लेकिन हम यहाँ पे तीन टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में, थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कौन कौन हो गया। पहला हो गया आपका आर्टरी, दूसरा हो गया वेन्स, और तीसरा हो गया बाबू कैपिलरीज। चार तरह का होता है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हम तीन तरह के डिस्कस कर रहे हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज का काम क्या हो गया, तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ये देखिए आर्टरीज के बारे में, कैसे ब्लड को कैरी करेगा बाबू, तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसे ब्लड को कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको हम बोलेंगे, तो ब्लड इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, वैसा ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा आपका हो गया वेन्स, ये किसको कैरी करेगा, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया बाबू, तो ब्लड इन विच CO2 इज प्रेजेंट, वैसा ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ना। तीसरा है हमारा कैपिलरीज, कैपिलरीज का क्या काम होगा, तो ये क्या करेगा, ब्लड को और न्यूट्रिएंट्स को, है ना, ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जो भी है, इन सबको ऑर्गन तक लेके जाएगा, कैरी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ब्लड टू ऑर्गन। ठीक है, अब देखिए बात वेस्ट मटेरियल भी लेकर के कैपिलरीज के द्वारा आएगा। इस तीनों को हम लोग एक छोटा सा फिगर में देखते हैं। पहले क्या कहता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा लंग्स हो गया, ठीक है, और हम लोग लंग्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लंग्स ऑक्सीजन को कैरी करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा। हम लोग वो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में देखिएगा, यहां पे लंग्स हो गया और यहां पे हम लोग का हार्ट बना लेते हैं, तो हमारे हार्ट में कितना चैम्बर हो गया, चार चैम्बर। इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको क्या बोलेंगे बाबू, राइट ऑरिकल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और यहां पे हम लोग बना लेते हैं टिश्यू, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, हम हर्ट के बारे में अभी इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में, फिलहाल हम यह समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि आर्टरी और वेन कैसे मूव करता है हमारे बॉडी में। देखिए हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहता है अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि लंग्स में ऑक्सीजन कैसे डिजॉल्व हुआ, हम लोग पढ़े हैं, और वहां से ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की मदद से वो ऑक्सीजन लंग से कहां पे आ गया, हमारे इस पाइप में आ गया। इस पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे,
इस पाइप को हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी वेन, एक्सेप्शन केस। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। अब ध्यान दीजिएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है। कैसे ब्लड को कैरी कर रहा है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे ब्लड को कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। अब ये जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा वो कहां आ गया? लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर इस पाइप से गया। इसको हम लोग ऑरोटा भी बोलते हैं, सिस्टमिक आर्टरी। अब देखिए, अब यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां चला गया? आपका टिश्यू में चला गया, है ना? इसका हम लोग देखे भी थे। यहां से डिफ्यूजन होकर क्या आया हमारे इस पाइप में, और फिर यहां से डिफ्यूजन होकर चला गया कहां? टिश्यू में, कैपिलरीज के द्वारा भी बॉडी तक जाएगा। अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आया, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले कहां पर गया? राइट ऑरिकल में, फिर कहां आया बाबू? राइट वेंट्रिकल में, और फिर इस तरह से ये यहां पे पास कर गया। इस वाले पाइप को हम लोग बोलेंगे वेना कावा, और ये वाला जो हमारा पाइप, ये क्या कह रहा है आपको? पल्मोनरी आर्टरी। कैसे ब्लड को कैरी कर रहा है? तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं। तीन तरह की वेसल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, होता चार तरह का, बात अलग बात है। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, हम देखेंगे चौथा भी देखेंगे। आर्टरीज में आ गया आपको कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, और जो कैपिलरीज है वो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड को ऑर्गन तक पहुंचाएगा, और फिर ऑर्गन से वेस्ट मटेरियल को भी लेकर के आएगा। अब यह हम प्रोसेस दिखाए आपको, एक्सेप्शन केस ये और ये। कहता है लंग्स से बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन कहां पे आ गया आपको? पल्मोनरी वेन में आ गया। अब पल्मोनरी वेन से ये आ गया आपको लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और सिस्टमिक आर्टरी के द्वारा ये यहां तक आया बॉडी, और ये फिर टिश्यू में क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया। उसके बाद यहां से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आया, वो कार्बन डाइऑक्साइड वेना कावा लेकर के चला, वेन्स, सिस्टमिक वेन्स, और ये चला गया आपको कहां पे? राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये क्या हो गया? बाहर हो गया, है ना? ये हमारा प्रोसेस है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए हम हट जा रहे हैं। यहां पर ऑर्गन लिखा हुआ है, ऑर्गन, और वहां लास्ट में ब्लड है। ठीक, अब देखिए हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं, आर्टरी और वेन्स के बारे में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, आर्टरीज का डिफरेंस और वेन्स का डिफरेंस। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात आप यहां देखिएगा, ये बाबू एक्सेप्शन केस है, आपको बता रहे हैं बाबू, ये अलग बात है, ये एक्सेप्शन केस है, लेकिन समझते हैं। कहता है आर्टरी का काम क्या होगा? आर्टरी जो है आपका, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हमारे बॉडी के दूर लेकर के जाएगा। देखिए तो इट कैरी, सबसे पहली बात, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे ब्लड को कैरी करेगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके?
पल्मोनरी वेन को छोड़कर, ठीक है। तो आर्टरीज कैसे ब्लड को कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, किसको छोड़कर, पल्मोनरी वेन को छोड़कर। ये कैसे ब्लड को कैरी करेगा, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। देखिए तो किसको ये छोड़ के काम करेगा, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों पॉइंट आप क्लियर हुआ, आर्टरी और वेन का पहला पॉइंट क्लियर हुआ। आर्टरी क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन को छोड़ के, है ना, ये एक्सेप्शन केस हो गया। और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ये पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन हो गया, इसको छोड़ के, ठीक है। अब देखिए दूसरे पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, कहता है कि जो आर्टरी है, आर्टरी वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएगा, और जो आपका वेन है वो क्या करेगा, ब्लड के पास, हार्ट के पास ब्लड को लेके आएगा। देखिए ये क्या हो गया, इट टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम हार्ट, और यहां पर क्या होगा, इट ब्रिंग ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। मतलब क्या हो गया, अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो ये क्या करेगा, ब्लड को हार्ट से कहां तक लेके जाएगा, टिश्यू तक लेके जाने में हेल्प करेगा, और ये क्या करेगा, टिश्यू से कहां तक लेके आने में हेल्प करेगा, हार्ट तक। ठीक है, ठीक है ना। अब आइए थर्ड पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कहता है आर्टरी के बारे में, आप देखिएगा बुक में, अगर आप देखिएगा तो हल्का कलर में डिफर होगा, आपको लगेगा कि बुक में हो सकता है ऐसा डिजाइन बना दिया हो, जैसे आर्टरी के कलर को रेड से बनाया हुआ होगा और वेन्स के कलर को ब्लू कलर से बनाया हुआ होगा, आपको लगेगा कि सर ये तो डिजाइन है शायद, ऐसा नहीं है बाबू। जब आप आर्टरी को देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल रेड कलर का नजर आएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, जबकि हमारे वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, और जब हम इसको डीऑक्सीजन ऊपर से देखेंगे तो ये हमको हल्का ब्लूइश कलर का नजर आएगा। आप अपने वेन को देखिएगा, आपके स्कलाई के पास आपको वेन अच्छे से नजर आएगा, तो आप जब अपने वेन को देखेंगे तो ऊपर से वो हल्का ब्लू कलर का नजर आएगा, जबकि जो आपका आर्टरी है वो आपका कौन से कलर का नजर आएगा, रेड कलर का। इट अपीयर्स रेड इन कलर ड्यू टू ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, इट अपीयर्स स्लाइटली ब्लू, या ब्लू भी ले सकते हैं, ब्लू इन कलर ड्यू टू CO2, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट का कहता है कि जब कोई आदमी मर जाएगा, आदमी के मरने के बाद आर्टरी पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, पूरा वैकम खाली एम्प्टी हो जाएगा, जबकि वेन्स में ब्लड रहेगा। फिर से, किसी भी इंसान के मरने के बाद आर्टरी एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जबकि वेन्स पूरा खाली नहीं होगा, उसमें कुछ देर तक ब्लड प्रेजेंट रहेंगे। आफ्टर डेथ ऑफ पर्सन
it becomes empty. After death of person, for few minutes blood is present. Fifth number bag. कहता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम वाल्व की बात करते हैं, आर्टरी में वाल्व नहीं होगा जबकि हमारे वेन्स में वाल्व रहेगा। वाल्व क्या होता है पहले वो समझिए। वाल्व का काम होता है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, ठीक है। जैसे कि हम ऐसे खड़े हैं ना, अब जो वेन है वो ब्लड को लेकर के आ रहा है, हो सकता है कभी ऐसा हो कि ब्लड का बैक फ्लो हो जाए, तो अगर ब्लड का बैक फ्लो होगा तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से कहता है वाल्व इज एब्सेंट, इसमें वाल्व प्रेजेंट नहीं होगा जबकि यहां पर वाल्व प्रेजेंट होगा। वाल्व इज प्रेजेंट, वाल्व प्रेजेंट है। और वाल्व का काम क्या है, स्टॉप बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को क्या करेगा, ये रोकेगा, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, यहां पे दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, देखिएगा एक और लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये क्लियर हो गया ना पूरा? हाँ, हमारा एक जो सिक्स नंबर पॉइंट है, देखिए सिक्स नंबर क्या है, लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर हम आर्टरी की बात करेंगे तो इसमें ब्लड का जो फ्लो होगा वो काफी फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू वेन। इसमें ब्लड जर्क के रूप में रहेगा, जैसे अगर कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और आर्टरी कट जाते हैं तो आर्टरी कटने के कारण बहुत सारा ब्लड और काफी तेज में, काफी स्पीड फ्लो में बाहर निकलेगा, जबकि वेन्स में ऐसा नहीं, इसमें भी फ्लो फास्ट होगा लेकिन इन कंपैरिजन टू आर्टरी इसका जो जर्किंग स्पीड होगा वो कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा है आर्टरी और वेन्स, ठीक ना, इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इज फास्ट, इन कंपैरिजन टू आर्टरी नॉर्मल फ्लो, ठीक है। चलिए सिंसॉर्ट कर लीजिए इसका फटाक से, ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना आपका। अब देखिए तो आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक्चुअली मेरे क्लास जो है ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही थी, ऐसे इसमें आराम से आपके पास वीडियो रहेगा, आप पॉज करके दोबारा भी सुन सकते हैं कि हमने क्या बोला, है ना, आपको समझने में आसानी होगी। क्लास की तो बात सबसे बेस्ट है लेकिन ऑनलाइन क्लास में दिक्कत हो जाता है, एक बार अगर हम बोले फिर वो आप दोबारा सुन नहीं सकते हैं, कई बार ब्लर कर गया पिक्चर, है ना, क्योंकि नेटवर्क का इशू रहता है हमेशा इसके वजह से। आइए अब देखिएगा आर्टरी और वेन्स का हम डिफरेंस देखिए, है ना। अब हम आते हैं
टॉपिक पे जिसका नाम है बाबू क्या, ब्लड। देखिए अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ब्लड। कहता है ब्लड के बारे में, हमारा जो ब्लड है, जो ब्लड है हमारा बहुत कलर का, ऐसा तो है नहीं कि हम ब्लड में केवल आरबीसी को रखेंगे, और भी तरह के ब्लड होते हैं, व्हाइट ब्लड भी आता है उसमें। तो सबसे पहली बात कि जो ब्लड है उसको हम बेस्ट ट्रांसपोर्टर मानते हैं, क्योंकि ब्लड एक बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम है हमारे बॉडी का, जो गैस का एक्सचेंज में हेल्प करता है। मतलब ऑक्सीजन को अगर हमारे टिश्यू तक जाना है तो ब्लड लेकर के जाएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को इस टिश्यू से बाहर आना है तो भी कौन लेके आएगा, ब्लड लेके आएगा। तो सबसे पहली बात कि जो ब्लड है, ब्लड इज द बेस्ट मीडियम, ब्लड बेस्ट मीडियम है जो गैस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इट इज द बेस्ट मीडियम। Transportation of gas, gases, और इसमें कौन कौन आ गया आपको, O2 and CO2। जो ब्लड है ना वो हल्का alkaline होता है, alkaline का मतलब हो गया बाबू बेसिक, इट इज स्लाइटली एल्केलाइन, बेसिक हो गया। अगर आप इसकी पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो इसका पीएच वैल्यू हो गया 7.4 के अप्रॉक्स, ठीक है ना, ये ब्लड का हो गया। अगर आप देखेंगे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड पाया जाएगा, इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 5 to 6 लीटर ब्लड इज प्रेजेंट, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। दूसरी बात, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे अलग अलग जैसे हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। और अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो बिल्कुल इन आवर ब्लड हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का अपीयर होता है। हालांकि इस लाइन को यहां मैंने लिखा है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले देखिएगा बाबू। अब कहता है हम ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है वो कितने टाइप का हो गया, 2, एक हो गया कौन, प्लाज्मा, और दूसरा क्या हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा, ये लगभग 55% होता है हमारे ब्लड में, और ये कितना होगा, 45%, ठीक है। हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलेंगे इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और कौन हो गया बाबू, थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट का एक और नाम क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल कॉर्पसल्स। दूसरा हो गया आपको ल्यूकोसाइट का एक और नाम है डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट का एक और नाम है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा 55% हो गया और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको आ गया इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और कौन आ गया, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है।
इसको कीजिए, लिखिए। हो गया ठीक। हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। देखिए तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डालेंगे प्लाज्मा। क्या होगा बाबू? प्लाज्मा टॉपिक हो गया हमारा। अब देखिए प्लाज्मा के बारे में कहता है, प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है पहले वो देखते हैं। तो कहता है इट कंसिस्ट, क्या क्या होगा इसमें? सबसे पहली बात वाटर हो गया, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, तीसरा कौन हो गया? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और एक हो गया आपको अदर सब्सटेंस। ये चार चीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे, वाटर, प्लाज्मा, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और अदर सब्सटेंस। अगर आप इसकी परसेंटेज की बात करेंगे तो वाटर आपको कितना हो गया 90%, प्लाज्मा प्रोटीन कितना हो गया आपको 7%, ये हो गया 2% और अदर हो गया 1%। बुक के डाटा को अगर लेंगे तो इसको लिख देंगे 90 से 92%, 7 से 8%, 1 से 2% और ये 1%। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब है कि वाटर तो है ही, दूसरा हो गया आपका प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे हेपरिन, सीरम सब लिखेंगे, ध्यान दीजिए। पहला है प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन में ये कौन कौन आ गया इसमें? इट कंसिस्ट, देखिएगा कौन कौन ये रखता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन आ गया? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इसको याद कर लो, रखेंगे एक ट्रिक से, याद रखने का ट्रिक भी है, आओ आओ जी फेंटा पियो, है ना। तो ए से हो गया एल्ब्यूमिन, जी से क्या हो गया ग्लोब्यूलिन, एफ से फिब्रिनोजन, पी से प्रोथ्रोम्बिन, आओ जी फेंटा पियो, है ना। अब जिसको फ्रूटी पसंद है फ्रूटी लिख लीजिए, आओ जी फ्रूटी पियो। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन और कौन हो गया बाबू? प्रोथ्रोम्बिन। तो ये चार प्लाज्मा प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में पाया गया। इसका फंक्शन एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला है आपको एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब हो गया वाटर बैलेंस, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या हो गया बाबू? हाँ, वाटर बैलेंसिंग में हेल्प करेगा, हेल्प इन वाटर बैलेंसिंग। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब हो गया, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब हो गया वाटर बैलेंसिंग। क्या हो गया? वाटर बैलेंसिंग, है ना। दूसरा है हमारा कौन? ग्लोब्यूलिन, आओ जी। तो
ग्लोब्यूलिन हो गया, तो ग्लोब्यूलिन किसमें हेल्प करेगा बोलिए, प्रोवाइड एंटीबॉडी, क्या प्रोवाइड करेगा, एंटीबॉडी प्रोवाइड करेगा, हम देखेंगे एंटीबॉडी के बारे में। तीसरा है आओ जी फेंटा फिब्रिनोजेन और पीओ प्रोथ्रोम्बिन, हालांकि हम इन दोनों को भी एक ही में लिख दे रहे हैं, हेल्प इन, बोलिए किसमें हेल्प करेगा, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, किसमें हेल्प करेगा, ये सब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ब्लड के कॉगुलेशन होने में हेल्प करेगा। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन फिब्रिनोजेन और कौन हो गया बाबू, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये क्लियर हुआ, हाँ, तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन फिब्रिनोजेन और हो गया आपका प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना, इसको कर लीजिए। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हो गया वाटर के बैलेंस को करना, वाटर बैलेंसिंग में हेल्प करना, ये एंटीबॉडी करेगा और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए ये लेक्चर हम अभी यहीं पे खत्म कर रहे हैं, अगला जब शुरू करें क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर होगा तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को पढ़ने में, अगला लेक्चर जो है ना आपको ये तुरंत चला जाएगा, आपको कल हर एक दिन अब लेक्चर जाएगा आज से, तो इसको आप कर लीजिए और अगले दिन हम यहीं से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको कर लीजिए।